नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रायसेन में मजाक बनी जनसुनवाई। कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर जनसुनवाई की शुरुआत हुई। रायसेन कलेक्ट्रेट में शुरू हुई जनसुनवाई में जहां कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे और मुख्य कार्यपालन अधिकारी पीसी शर्मा लोगों की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण में व्यस्त रहे, तो वहीं उनके जिम्मेदार अधिकारी मोबाइल चलाते हुए और मोबाइल पर बात करते नजर आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लोगों की समस्याएं सुनकर उनका तुरंत निराकरण के लिए जनसुनवाई की शुरुआत की गई थी, ताकि लोगों की समस्याओं का तत्काल ही निराकरण हो सके। लेकिन आज रायसेन में कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर जनसुनवाई की शुरुआत हुई और पहले ही दिन जनसुनवाई में मजाक बनता नजर आया। जनसुनवाई में रायसेन कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे और मुख्य कार्यपालन अधिकारी पीसी शर्मा लोगों की समस्याओं को सुनकर तुरंत निराकरण में लगे रहे, तो वहीं उनके अधीनस्थ जिम्मेदार अधिकारियों को जनसुनवाई से कोई सरोकार नहीं है और जिम्मेदार अधिकारी मोबाइल चलाते और मोबाइल पर बात करने में व्यस्त नजर आए और जनता पस्त होती नजर आई। ऐसा लगा मानो जनसुनवाई मात्र एक दिखावा है और जिम्मेदार अधिकारियों को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है या फिर रायसेन कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे का अधिकारियों पर किसी प्रकार का डर नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को भूलेंगे तो आम जनता की सुनवाई कैसे होगी। रायसेन संवाददाता अली हसीन की रिपोर्ट।